एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। याद रखना, इंडक्टर वायर से बना होता है, वायर की का कोई मटेरियल होता है, मटेरियल की कोई रेजिस्टेंस होती है आर, हमने उसको निगलेक्ट किया है, तो इसमें कैपिटल आर बिल्कुल भी नहीं है। तो कैपिटल आर मटेरियल की तरफ से कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं होगी, ठीक है यहाँ तक? तो कैपिटल आर की कोई बात ना करें, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और हमने यहाँ पर एसी ई इज इक्वल टू ईएमएफ अप्लाई की ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। तो नीचे से वोल्टेज चेंज हो रही है, ईएमएफ चेंज हो रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। और हमने ये चैप्टर किया इंडक्टर का, इंडक्टर की क्या बिहेवियर है, इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, इंडक्टर अपने चेंजिंग ईएमएफ को क्या करेगा, अपोज करेगा, अपने अंदर सेल्फ ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप कर लेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि ईएमएफ करंट को चेंज कर रहा है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब किरचॉफ लॉ क्या कहता है, इतनी ईएमएफ नीचे, इतनी ईएमएफ ऊपर, सम ऑफ बोथ ईएमएफ ई नॉट साइन ऑफ, ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी मस्ट बी इक्वल टू क्या, जीरो, ठीक है? तो टोटल ईएमएफ का सम क्या आएगा, जीरो। तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग यहीं से करो, ये लाइन यहां पे लिखो और फिर इसे राइट साइड पे ले जाओ, ये नेक्स्ट स्टेप बनेगा। इसके ऊपर ये दो लाइन लिख लो, पहले ये लिखो फिर ये आएगा। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये स्टेप क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप देखो, ध्यान से देखना, डी आई एक तरफ, डी टी और एल एक तरफ, ये रहा। तो इसको, ये स्मॉल करंट है इंडक्टर के अंदर, जब स्मॉल टाइम डी टी है, हमने तो ये देखना है कि अगर हमने ई इज ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया, मैं ये देखना चाहता हूँ कि इंडक्टर में कितना करंट गया, तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस करंट इन इंडक्टर। तो इसके लिए स्मॉल करंट आ गया, इंटीग्रेट करते हैं टोटल करंट के लिए, आई आ गया इंस्टेंटेनियस करंट, ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी विल गिव ओमेगा। तो इसको इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रेट करके ओमेगा बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, तो ये करंट आ गया। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ई एम एफ मैंने कितनी अप्लाई की थी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट आ रहा है इंडक्टर के अंदर वो कितना है, माइनस ई नॉट बाई एल ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो करंट माइनस कॉस में चल रहा है, ईएमएफ साइन में चल रही है। अब मैथ्स का रूल है कि अगर आपको ग्राफ साइन का ड्रॉ करना है, साइन थीटा का, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अगर आपको ग्राफ कॉस थीटा का करना है, तो ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा। और अगर आपको ग्राफ माइनस कॉस थीटा का करना है, तो माइनस का मतलब ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, कॉस ऊपर से, माइनस कॉस नीचे से। क्लियर है यहां तक? अब मेरे को ये पता है कि जो ईएमएफ है वो तो साइन ओमेगा टी है, लेकिन जो करंट है वो किस में चल रहा है, माइनस कॉस में। और अगर करंट माइनस कॉस में चल रहा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना, इसका ग्राफ साथ साथ देखो, ये बना हुआ है ईएमएफ साइन ई नॉट साइन ओमेगा टी, ईएमएफ तो सही चल रही है, लेकिन करंट माइनस कॉस है, माइनस कॉस में ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से, माइनस कॉस, तो माइनस कॉस का ऐसा करंट है। क्लियर है? पेपर में क्या करेगा वो, इसकी स्नैपशॉट देगा, फोटो दे देगा, वो आइडेंटिफाई करो इस फोटो को देखते हुए कि अगर ये ईएमएफ है और ये करंट है, तो बोलो ये इंडक्टर है, रेजिस्टर की कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर करंट माइनस कॉस में और ईएमएफ साइन में। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहां तक? ये ग्राफ प्लॉट भी हो जाएगा ईएमएफ का और करंट का, ठीक है यहां तक? तो ईएमएफ और करंट का ग्राफ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्योंकि करंट माइनस कॉस में है, ईएमएफ साइन में है, मैं फेजेस को कंपेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं दोनों साइन में रहें, तो मैं एक काम करता हूं, कॉस को मैक्स लगा के साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा।
तो मैंने क्या किया, इसकी जगह साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कर दिया, पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी कर दिया, और माइनस साइन को ब्रैकेट में ले गया तो क्या बन गया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट में साइन का जो भी कोफिशियंट है उसको क्या लिखा जाता है, आई नॉट। तो मेरे पास इसको बॉक्स में डाल लो, करंट का फॉर्मूला बन गया आई इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो मैंने ई एम एफ जो अप्लाई की थी वो ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी की थी, और करंट की वैल्यू जो आई वो कितनी आई, आई नॉट इन टू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ई एम एफ इतनी अप्लाई की, करंट इतना आया, राइट right? सही है यहाँ तक। तो एक चीज़ नोट करें, अगर ई एम एफ का एंगल या फेज ओमेगा टी है तो उस टाइम पे करंट का फेज ओमेगा टी नहीं है, करंट का फेज ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है। तो करंट का फेज पीछे है, कम है, कितना, बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। तो इसको लिखा जाता है कि इंडक्टर में जब एसी करंट पास किया जाता है तो ई एम एफ लीड्स करंट करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू, या फिर ऐसे लिखा जाता है करंट लैग्स, पीछे है, लैग्स ई एम एफ बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। पॉइंट समझ में आ रहा है, ई एम एफ आगे चल रही है, करंट पीछे चल रहा है, या करंट पीछे चल रहा है, ई एम एफ आगे चल रही है बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू। आपको आपके सी एस ई के पेपर में तीन नंबर की डेरिवेशन आती है, प्रूव दैट इन एन इंडक्टर ई एम एफ लीड्स करंट बाय एन एंगल ऑफ पाई बाई टू व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू इट। तो ये पूरे का पूरा चलेगा, पूरा का पूरा प्रूव करना है पाई बाई टू तक। क्लियर है यहाँ तक? पॉइंट समझ में आ रहे क्लियर है यहाँ तक? तो इसमें ये टर्म आ गई, आई नॉट की ये टर्म आ गई। नेक्स्ट है, अब इसके अंदर ये भी देखने वाली बात है, जब पेपर में आएगा तो ये तो ड्रॉ करना ही करना है, ये भी ड्रॉ करना है चाहे पूछे या ना पूछे। इसमें क्या करना है, ई एम एफ का एंगल किसी भी इंस्टेंट पर कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी। तो करंट का एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो करंट का वेक्टर पीछे ले जाओ बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री पीछे ले गए, तो ये डायग्राम बनेगा ई नॉट का और आई नॉट का। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? तो ई एम एफ का एंगल अगर ओमेगा टी है तो करंट का एंगल कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ठीक है, तो इसके वेक्टर और फेजर डायग्राम्स हैं ये। अब एक चीज और देखने वाली है इसमें, मैंने इस टर्म को क्या पुट किया था, आई नॉट। तो आई नॉट क्या है, ई नॉट बाय एल ओमेगा। तो आई नॉट अगर ई नॉट बाय एल ओमेगा है तो ई नॉट क्या है, ई नॉट इज आई नॉट इन टू एल ओमेगा। तो ओम लॉ कहता है ई एम एफ इज करंट इन टू, बोलो क्या, रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मैंने तो रेजिस्टेंस मना की थी, रेजिस्टेंस मैंने मटेरियल वाली मना की थी कैपिटल आर, ये रेजिस्टेंस मटेरियल की वजह से थोड़ी ना है, ये तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से है। जब करंट चेंज हो रहा है तो उल्टी ईएमएफ जनरेट करके करंट को कम या ज़्यादा किया जा रहा है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप। तो ये ईएमआई की वजह से है, ये आर की वजह से नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसका रीज़न मटीरियल बिल्कुल भी नहीं है, इसका रीज़न है चेंजिंग करंट। चेंजिंग करंट को इंडक्टर एक्सेप्ट नहीं कर पाता और उसको क्या करता है, अपोज करता है, राइट right? लेकिन कितनी कंफ्यूजन है, इसको रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, है ये रेजिस्टेंस तो हमें नाम चेंज करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, इंडक्टर जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस। आप कहेंगे ये क्या चीज है, ओम्स है, ये भी ओम्स में ही होती है तो ये रेजिस्टेंस ही, पर रेजिस्टेंस बोलने से कंफ्यूजन हो जाएगी, कहीं आप आर ना समझ लेना। तो इसको चेंज कर दिया नाम हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और सिंबल भी चेंज करेंगे, आर मटेरियल की वजह से है, इसका सिंबल क्या रखेंगे, एक्स एल। तो एक्स एल इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका फॉर्मूला क्या है, एल ओमेगा। क्लियर है यहां तक?
तो नाम ही चेंज कर दिया और सिंबल भी चेंज कर दिया। ठीक, तो इसके अंदर ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें EMF इज करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो दिस इज रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर जिसका सिंबल क्या है XL, XL का नाम क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन अब वो स्पेशल केस कह रहा है कि मान लो जी मैं तो DC करंट पास करूंगा इंडक्टर में। भाई अगर तुम DC करंट पास करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी DC की, जीरो, फ्रीक्वेंसी होती नहीं DC की, DC तो फ्लैट होता है, तो उस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो। ओमेगा जीरो होगा तो XL क्या होगा, जीरो। इसका मतलब DC करंट जब पास किया जाएगा तो इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस या कोई रिएक्टेंस ऑफर ही नहीं करेगा क्योंकि उसमें करंट चेंज हो ही नहीं रहा, तो XL की वैल्यू क्या रहेगी उसमें, जीरो। XL तभी एग्जिस्ट करेगा जब करंट क्या होगा, AC होगा, AC के अंदर XL होगा, DC में XL एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? तो इसके यूनिट्स ओम्स हैं, ये करने की जरूरत नहीं, वैसे समझ लो ये ओम्स है।